दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन से हाउस प्लान के का, जैसा कि आप देख रहे हैं जिसमें कि एक दुकान शॉप भी है, साथ साथ कार पार्किंग भी है और पूरा मॉडल आज आपके सामने मैं डिस्कस करूंगा। इसका साइज़ मैं बता दूं 20x50 फिट है। 20x50 के प्लॉट आपने देखे होंगे, उसी प्लॉट को मैंने बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन किया। इसमें आगे आपको एक दुकान, कार पार्किंग और बेडरूम्स वगैरह देखने को मिलता है। बहुत ही बेहतरीन प्लान होने वाला है आज का जो आप देख रहे होंगे। इसका साइड से भी ओपन है, इसलिए मैंने थोड़ी सी विंडो वगैरह दे रखा है। वेंटिलेशन का कलर कॉम्बिनेशन भी आप देख सकते हैं, ग्रिल वगैरह देख सकते हैं। इधर से आपका पूरा क्लोज्ड है और दो साइड आपका ओपन है, मतलब फ्रंट और उसका राइट लेफ्ट हैंड साइड। तो ये पूरा मॉडल है जो आपके सामने बताऊँगा मैं। ये इसका मेन डोर है, इधर से मैंने साइड से ओपन था इसलिए यहाँ पर मैंने आप देख सकते हैं ग्रिल का इस्तेमाल किया है। तो इसी मॉडल को पूरा डिस्कस करेंगे प्रॉपर तरीके से आपके सामने। बने रहिए स्टूडियो में लगातार। मैं हूँ पुंज झागड़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। दोस्तों स्मॉल हाउस प्लान को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियो आप लगातार देख सकें। दोस्तों स्मॉल हाउस प्लान पर आपको लगातार अपडेटेड वीडियो मिलते रहते हैं, नए नए मॉडल्स मिलते रहते हैं, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ इसका फ्रंट की अगर बात करें तो ये इसका फ्रंट है जो कि इसका ये मेन डोर है। यहाँ से आप कार पार्किंग कर पाएंगे। ये आपका शॉप है, मतलब दुकान है जहाँ से आप अपनी दुकान को मैनेज कर सकते हैं। और साइड से भी यहाँ पर ओपन था, इसीलिए मैं तीन विंडो दिया है, उसमें फ्रेम टाइप का दिया है और ये यहाँ पर ग्रिल दिया है। तो अगर इसके हम ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर ओवरऑल है जहाँ से आप एंट्री करेंगे। एंट्री करते ही सबसे पहले आपको कार पार्किंग मिलती है और ये आपकी शॉप दुकान मिलती है। ये देखिएगा, दुकान में मैंने एक विंडो दिया है साइड में कार पार्किंग की तरफ से वेंटिलेशन के लिए। इसके बाद ये आपका एक गेस्ट रूम मिलता है जिसमें आप एंट्री करेंगे इस वाले डोर से, और यहाँ पर एक विंडो दिया है वेंटिलेशन के लिए। इसके बाद या तो इस बेडरूम को मैंने अंदर भी दिया है, साथ साथ यहाँ से भी एंट्री अंदर दी है। यहाँ से आप जाएंगे तो ये आपका एरिया मिलता है। इसके बाद आप यहाँ पर आते हैं और पीछे आपको दो बेडरूम मिल जाते हैं। ये आपका किचन है, ये स्टेयर्स जिससे ऊपर जाएंगे इस साइड कॉर्नर पर, लेकिन बात मैंने क्रिएट किया है। तो तीन बेडरूम है ओवरऑल, यहाँ पर एक दुकान है, कार पार्किंग है, किचन, लेट बाथ, स्टेयर्स और बेहतरीन सा मॉडल आप देख पा रहे हो। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ इसका, देखिएगा चीज़ें जिसको आपको समझ में आए। इसका ग्रिल, अरे सॉरी गेट, दुकान, शॉप, इसके बेडरूम, डोर वगैरह आप बहुत ही प्रॉपर तरीके से देख पाएंगे, समझ पाएंगे। दोनों पीछे बेडरूम, फिर किचन, फिर स्टेयर्स, लेट एंड बाथ। स्टेयर्स को दोस्तों मैंने एक साइड क्रिएट किया है जिससे ज़्यादा आपकी जगह बर्बाद ना हो, इसका देखा। और बेडरूम, इसका शॉप और कार पार्किंग, ये देखिएगा पूरा ओवरऑल मॉडल आपके सामने एलिवरेट किया। 2D प्लान इसका और 3D प्लान जो मैं बता रहा हूँ। अब बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो फर्स्ट फ्लोर पर क्या है, मैंने 3 फुट का चारों तरफ बाउंड्री और जो स्टेयर्स थी उसको ढकने के लिए गुमटी और एक ग्रिल, आगे मैंने 2-2 फुट आगे निकाल रखा है, ये देखिएगा एरिया, और उसी एरिया पर ग्रिल का इस्तेमाल किया है जिससे ये मकान आपका और खूबसूरत लगने लगता है, बेहतरीन सा। ये पूरा मैंने ओपन ही रखा है कार पार्किंग। दोस्तों मैंने यहाँ पर छत वगैरह नहीं दिया है, नहीं तो पूरा घर ही क्लोज्ड हो जाता, इसीलिए मैंने इस घर को ओपन दे रखा है। वेंटिलेशन भी आपका प्रॉपर साइड से, ये विंडो आप देखिएगा, यहाँ पर आपका आंगन था, किचन था, ये बेडरूम, तीनों में मैंने विंडो दे रखा है जिससे साइड से प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन होता रहेगा। वहीं बात करते हैं लास्ट फ्लोर की। तो लास्ट फ्लोर पर कुछ भी डिज़ाइन नहीं है, वहाँ पर छत सिर्फ गुमटी पर बना दिया है और बेहतरीन सा मॉडल बनकर आपका रेडी हो जाता है, ये पूरा 20x50 फिट में। तो ये मॉडल दोस्तों कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। थैंक्स।